हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास प्रिंटर आया है एप्सन L3210। इस प्रिंटर में ये दिक्कत है कि ये ब्लैक थोड़ा थोड़ा छापता है, फिर बिल्कुल से बंद कर देता है छापना। आइए पहले आपको दिखाते हैं ये किस प्रकार से छाप रहा है। पहले इसको पेज लगाएंगे और अपने कंप्यूटर से इसको प्रिंट दे। यहाँ से अपन ने प्रिंट दे दिया इसको, ये इसने प्रिंट ले लिया है। ये देख रहे हैं, ये इस प्रकार से छाप रहा है। इसका डार्क कलर निकालेंगे अब, डार्क कलर में देखेंगे आप, बिल्कुल से वो छोड़ दे रहा है। पहले तो वो सही छापता है, तो इसके नीचे नीचे बिल्कुल से बंद कर देता है छापना। ये मैंने प्रिंट दे दिया है। जैसे कि देख रहे हैं, उसने ऊपर तो छापा, उसने थोड़ा थोड़ा ब्लैक, और नीचे बिल्कुल से उसने वो छापना बंद कर दिया है। अगर ऐसे ही दिक्कत आपके प्रिंटर में आ रही है तो ये वीडियो पूरा देखें। देखिए, उसने पहले छापा है ब्लैक, फिर इसके बाद उसने पूरा पूरा ये कट कर दिया, फिर यहाँ पर और ज़्यादा ही कट कर दिया, ये देख रहे हैं। और यहाँ तो बिल्कुल उसने कुछ छापा ही नहीं है। अब वैसे छापना चाहिए बिल्कुल इस प्रकार से, जैसे कि उसने एक कलर छापे है ना, इसी प्रकार से पूरा ब्लैक यहाँ से यहाँ तक छापना चाहिए। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए इसको खोलते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या करना है आपको। पहले आपको इसका ये लॉक खोल लेना है यहाँ से, ये कुछ इस प्रकार से, और इसकी ये पैनल केबल निकाल देनी है, और ये मोटर केबल, और ये स्कैनर केबल, और इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड को थोड़ा सा धक्का दे देंगे, ये कुछ इस प्रकार से, तो ये ऐसा निकल जाएगा। इसको साइड में रखेंगे। आपको ये कार्टेज निकाल लेनी है एक एक करके। अब ये है अपना, पहले ये कलर को निकालेंगे एक एक करके, और एक कैप खोल लेंगे इसका। अब इनको इस ये कुछ इस प्रकार से रख देना, अगर उल्टा रखेंगे तो यहाँ से इंक बह जाएगी आपकी। आपको ध्यान देना है, इसको ऐसे ही सीधा रखना है, कलर ये ऊपर की तरफ रहे ऐसे। अब ये अपन को लॉक खोलना है इसका, तो माइनस पेंचकस लेंगे आप, माइनस पेंचकस से आपको इस साइड का लॉक खोल लेना है और इस साइड का लॉक। जैसे कि मैंने लॉक खोल लिया इसका, और इसको ऐसे निकाल लेना है स्टार पेंचकस से। अपन को ये नट खोल लेने हैं हेड के, इसके तीनों नट खोल लेते हैं इसके। नट निकाल लेते हैं और हेड को भी निकाल लेना है। अब इस हेड में अपनी ये दिक्कत आ रही है कि ये ब्लैक के लिए छोड़ दे रहा है, तो ये शॉर्ट हो चुका है अंदर से, ये शॉर्ट हो जाती है। इसकी जो क्या कहते हैं आईसी रहती है इसके अंदर, वो शॉर्ट हो जाती है। इसकी वजह से कलर तो छापेगा बल्कि ब्लैक नहीं छापेगा, ब्लैक थोड़ा थोड़ा छापेगा और उसके बाद ये छापना बंद कर देगा, इसलिए पूरा हेड ही चेंज होता है इसके इसमें। तो चलिए पहले हेड केबल निकाल देते हैं इसकी। मैंने इसकी हेड केबल निकाल दी है, और ये इस हेड को मैंने साइड में रखा, और यहाँ से दूसरा हेड लेंगे अपना। ये है, ये बिल्कुल मेरी चालू कंडीशन में ये हेड है, तो अब इसको लगाएंगे अपन। ये वो रखा खराब हेड, इसको लगाते हैं। इस प्रकार से कुछ फिट कर देना है अपने हेड को, और ये हेड केबल भी इसके अंदर रहेगी, ये कुछ ऐसी, और एक कैरेज केबल भी उसी के साथ में रहेगी अपनी। एक कैरेज केबल ही फिट बैठ गई। अब इसके नट लगाने हैं, तो एक एक करके नट को लगा देते हैं। जैसे ही देख पा रहे हैं आप, हमारे नट तीनों इसमें लग चुके हैं। अब आपको इसका एक कैप लेना है, कैप को कुछ इस प्रकार से लगा देना है। अब कलर में आपको ध्यान देना है, पहले लगेगी ब्लैक आपकी, और फिर लगेगी
ये पीला कलर, इसके बाद ये लाल कलर लगेगा और इसके बाद ये नीला कलर लगेगा। और ये पाइप को बिल्कुल सही से बिठा देते हैं ये कुछ इस प्रकार से। अब इस लॉक को भी उठा देते हैं इसी ऊपर से, इसको जरूरी बिठाना है वरना अगर इसको नहीं लगाएंगे आप तो ये पाइप काट देगा। ये लग चुका है अपना, इसको साइड में कर देंगे। अब अपन को लेना है इसका स्कैनर, अब स्कैनर लगाएंगे इसका। अब अपन को सबसे पहले इसकी क्या कहते हैं पैनल केबल लगानी है, इस प्रकार से आपको पैनल केबल लगा देनी है। फिर लगानी है आपको मोटर केबल और फिर स्कैनर केबल। मोटर केबल को ये देखना है आपको कि ये क्या कहते हैं इसका नीली नीली पट्टी है ना वो नीचे रहेगी और इसकी नीली पट्टी है ऊपर ही रहेगी। अगर ये इसको नीचे कर देंगे तो स्कैनर नहीं चलेगा इसका। चलिए इस मोटर केबल को लगाते हैं और स्कैनर केबल को भी। जैसे कि देख पा रहे हैं हमने मोटर केबल और स्कैनर केबल और पैनल केबल, मैंने तीनों केबलें लगा दी हैं इसकी। अब इसके लॉक को बिठा रही है तो आपको कुछ इस प्रकार से पकड़ना है, इसको ऊपर की तरफ ऐसे कर देना है और पहले इस लॉक को बिठा रहेंगे और फिर इस साइड वाले को बिठा रहेंगे। चलिए बिठा इस प्रकार थोड़ा लॉक बिठा कर यहाँ पकड़ना ऐसे और थोड़ा इस साइड को धक्का दे देना है ऐसे ही। आवाज़ कर गया तो समझो ये सही लग गया। अब ये आगे का लॉक लगाना है आपको। आगे की लॉक के लिए आप कुछ इस प्रकार से कर देंगे और नीचे की तरफ छोड़ देंगे, ऐसे लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे। अब इसकी पावर केबल लगाएंगे पहले। और ये यूएसबी केबल ये चालू कर दिया हमने, ऐसा ना कुछ इस प्रकार से आ रहा था, ये पूरा पूरा कट रहा था। लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, मैंने प्रिंट दे दिया है। अब ये छापने का प्रोसेस कर रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं अपना ब्लैक बिल्कुल सही से निकल रहा है। ये अपना बिफोर रिपेयर और ये है आफ्टर रिपेयर। पहले अपना ये कुछ इस प्रकार से छाप रहा था इस हेड में, ये हेड है ना जो ख़राब है, ये शॉर्ट है, ये कुछ इस प्रकार से छाप रहा था। अगर कभी भी प्रिंटर आपका इस प्रकार से छापे तो कुछ नहीं करना है, सर्विस सेंटर से हेड लेना है या फिर कोई ऑनलाइन साइट से हेड मंगाना है। ज़्यादातर आप ऑनलाइन साइट से मत मंगाइए, जो सर्विस सेंटर आपके पास नज़दीक हो या फिर वहाँ पर डलवा लीजिए या फिर वहाँ से हेड लेके आप खुद से डाल सकते हैं। ये है नए हेड का, ये है पूरा सही छाप रहा है बिल्कुल, जैसे देख पा रहे हैं आप पूरा एकदम क्लियर आ रहा है अपना। ये पहले कट रहा था, ये अपना सही हो गया है।